अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मज़ेदार लजीज रेसिपीज़ में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ सबकी फेवरेट और मोस्ट डिमांडेड रेसिपी, डबल चीज़ पिज़्ज़ा। तो हम बनाएंगे इसे अपने स्टाइल में, तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 कप मैदा मेजरिंग कप से, और यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है यीस्ट मेजरिंग वाला, और 1 टेबल स्पून ले लिया है यहाँ पर शुगर। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये इंस्टेंट यीस्ट है तो आपको इसे पानी में फुला कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट मैदे में डालकर मिक्स कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ लग रहा था कि यीस्ट थोड़ा कम है, तो यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून यीस्ट और 1/2 टेबल स्पून शुगर और ऐड कर लिया है। तो अब हम इसे गुनगुने पानी से अच्छी तरीके से मिक्स करके गूंद लेंगे। इसे गीला और थोड़ा ढीला गूंदना है, बिल्कुल टाइट नहीं गूंदना है, क्योंकि अगर टाइट गूंदेंगे तो ये ज़्यादा फूलेगा नहीं। बट आप इसको जैसे आटे को गूंदते बिल्कुल वैसे ही गूंदना है आपको। अच्छी तरीके से चम्मच से मिक्स कर लीजिए, उसके बाद अपने हाथों से इसे अच्छी तरीके से गूंद लीजिए आप। साथ में हम ऐड कर लेंगे 1 चम्मच यानी 1 टीस्पून नमक, और साथ ही में ऐड कर लेंगे 4 टीस्पून ऑलिव ऑयल। और अब हम इन सब को अच्छी तरीके से चम्मच से मिक्स कर लेंगे या हाथों से मिक्स कर लेंगे, और जितना पानी हमें लगेगा उतना पानी हम डालकर इसे अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। ये थोड़ा स्टिकी हो जाता है, तो आप इसमें चाहे तो मैदा इसमें डाल सकते हैं, या आप इसमें ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, और अच्छी तरीके से इसे गूंद लीजिए। इसे ज़्यादा प्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये जैसा भी है रफ़ है वैसा ही ये चलेगा। आप इसको रख दीजिए आधे घंटे के लिए। नेक्स्ट हम पैन ले लेंगे, और इसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच ऑलिव ऑयल, या कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें हम डाल देंगे फ्रेश कुटा हुआ लहसुन यानी गार्लिक, और अब हम इसे सॉटे कर लेंगे कुछ 30 सेकेंड्स के लिए। उससे ज़्यादा आप सॉटे करेंगे तो चिकन का टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो यह हमारा लहसुन जो है वो हो चुका है, और अब हम इसमें डाल देंगे 300 ग्राम्स चिकन। मैंने इसे बहुत छोटे छोटे क्यूब्स पे काट लिया था, और आप जितना चिकन चाहें ले सकते हैं। और इसे भी अच्छी तरीके से सॉटे कर लीजिए जब तक कि ये अपना कलर चेंज करके वाइट ना हो जाए। फिर हम ऐड कर लेंगे 1 से 1.5 चम्मच नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। साथ में हम डालेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, और साथ में डालेंगे 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, और साथ में डालेंगे 1/2 टीस्पून कुटा हुआ ब्लैक पेपर, और डालेंगे 1 टीस्पून ओरिगैनो। साथ में हम डाल देंगे थोड़ा सा चिकन पाउडर, ये ऑप्शनल है, बट इससे भी इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, 4 से 5 मिनट के लिए पका लीजिए हाई फ्लेम पर। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे वेजिटेबल्स। यहाँ मैंने ले लिया है 1 मीडियम ऑनियन, साथ में मैंने ले लिया है मशरूम, और यहाँ पर मैंने ग्रीन रेड येलो बेल पेपर ले लिया है, और इसे मैंने 1/2 बेल पेपर काट लिया है। साथ में मैंने 4 से 5 मशरूम लिया था और मीडियम प्याज लिया था। इसे भी अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच मायोनीज, ज़्यादा नहीं डालना है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, जिस तरह से मैंने बनाया है ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट कर रहा था। तो हमें पूरी तरीके से इसके पानी को सुखा लेना है। तो लीजिए, हमारा पिज़्ज़ा फिलिंग बिल्कुल रेडी है, और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो यहाँ मैंने ले लिया है एल्युमिनियम फॉइल, और इस पर मैं निकाल लूँगी चीज़ क्रीम। इसे मैं अच्छी तरीके से फोल्ड कर लूँगी और इसे डाल दूँगी पाइपिंग बैग में, और इसे अच्छी तरीके से डो के ऊपर लगा लूँगी। इस तरीके से करने से आप इजीली डो के ऊपर क्रीम लगा सकते हैं। तो मैंने ले लिया था इस तरह का पाइपिंग बैग, आप चाहे तो जिपर बैग में भी इस तरह से लगा कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा पाइपिंग बैग विद चीज़ रेडी हो गया है, और अब हम इसे साइड में रख देंगे। तो आप देख सकते हैं आधे घंटे में हमारा पिज़्ज़ा डो कितनी अच्छी तरीके से फूल चुका है, और अब इसे हम पंच करके इसकी सारी हवा निकाल लेंगे और थोड़ा सा इसे गूंद लेंगे। सूखा आटा भी आप ले चाहे तो थोड़ा सा हाथ में ऑयल वैसे ही लगा कर सकते हैं, तो ऑयल अगर आपके हाथ में ज़्यादा चिपक रहा है तो इसे हम थोड़ा सा 5 मिनट के लिए गूंद लेंगे। तो ये बहुत अच्छा सा इसका टेक्स्चर आ जाएगा, और इस तरह से ये स्मूथ हो जाएगा।
अब हम इसे कर लेंगे चार हिस्से, क्योंकि ये 3 कप था, इसमें आप आराम से 4 हिस्से बना सकते हैं पिज़्ज़ा के, और आप इस तरह से हाथ से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्लीन कर लिया है अपना काउंटर, और इसके ऊपर मैं छिड़क लूँगी थोड़ा सा मैदा, और मैंने ले लिया यहाँ पर एक छोटा सा डो, और फिर मैं इसको अच्छी तरीके से राउंड करके इसको अच्छी तरीके से रोल कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक छोटा सा प्लेट और रख दिया है सेंटर में, क्योंकि मुझे इसके साइड में डायगोनली कट लगाना था, क्योंकि ये नॉट पिज़्ज़ा है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं कट लगा रही हूँ, आप इसे सीधा नहीं बल्कि इसको थोड़ा सा डायगोनली कट करना है, इससे इसका बहुत अच्छा नॉट बन के आएगा और ये बिगिन करते टाइम खुलेगा भी नहीं। तो अब हम इस पर लगा लेंगे चीज़ जो हमने अभी पाइपिंग बैग में डाला था, और आप चाहें तो उस पर डबल राउंड लगा सकते हैं अगर आप ज़्यादा चीज़ चाहते हैं तो। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसको एक के ऊपर एक रख रही हूँ, इसको आपको अपोजिट रखना है, दो उठाकर एक के ऊपर एक रखना है, एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में नहीं रखना है। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी तरीके से लॉक हो जाएगा, और आप देख लेना कि ये अच्छी तरीके से चिपक जाए, वरना बेकिंग के वक्त शायद ही खुल सकता है। मेरा पहला वाला पिज़्ज़ा थोड़ा सा ख़राब हो गया था, क्योंकि मैंने इसे काउंटर पर रख कर ही कट लगा दिया और नॉट लगा दिया था। आप इसको बेलने के बाद सीधा बटर पेपर पर रख लेना, ताकि आप आसानी से इसको ओवन में शिफ्ट कर सकें। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया है 1 चम्मच केचप, और उसके ऊपर मैंने डाल दिया है पिज़्ज़ा फिलिंग। ऊपर से मैंने ऐड कर लिया था बहुत सारा मोज़रेला, और साथ में मैंने ऐड कर लिया था चिली फ्लेक्स और ओरिगानो। साथ ही मैंने डाल दिया था ब्लैक ऑलिव्स, आप चाहें तो ग्रीन ऑलिव भी लगा सकते हैं। अब हम इसको एक ट्रे में शिफ्ट कर लेंगे और इसे साइड से ऑयलिंग कर लेंगे, ताकि इसका क्रस्ट बहुत अच्छा आ जाए, बहुत ही क्रिस्पी बन जाए। अब हम इसे बेक कर लेंगे 15 मिनट्स नीचे से, और फिर बाद में 5 मिनट के लिए ऊपर से बेक करके इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो इसी तरह से मैंने दूसरा बेस भी रेडी कर लिया था, ये थोड़ा बड़ा बनाया था मैंने, और इसको मैंने पहले बेलने के बाद सीधा इसको बटर पेपर पे रखा, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से डन हो गया था। सेम प्रोसेस हमें दोबारा से दोहराना है, और आप देख सकते हैं इस बार मैंने ईजीली इसे हैंडल कर लिया था, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इस पर काउंटर पे ही रख कर कटिंग कर दी थी और हर चीज़ लगा दिया था। तो ये स्टेप आप बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस तरह से बनाने से आपकी जो साइड होते हैं पिज़्ज़ा के वो बिल्कुल भी कच्चे नहीं होते हैं, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते हैं। इस तरह से बनाने से आपके जो पिज़्ज़ा के साइड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जूसी, लिक्विडी और स्पॉन्जी बनते हैं। तो आप इस तरह से ट्राई करिएगा और देखिएगा कि कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बनता है, और आप हर बार यही चीज़ ट्राई करेंगे। मैंने इस तरीके का पिज़्ज़ा फ़र्स्ट टाइम बनाया था, और फ़र्स्ट टाइम में ही बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया है, और इसका बेस और इसका अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इनके फिलिंग्स है, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि इसके अंदर सब्ज़ियाँ हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अपने गेस्ट को, अपने घर वालों को बना कर खिलाइएगा, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।